दो पोस्ट पे मिल चुका है गूगल एडसेंस का अप्रूवल एंड वेबसाइट का एज है 10 डेज। आज के इस वीडियो में हम लोग वेबसाइट का नाम को भी जानेंगे, कहाँ पर होस्टेड है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कौन कौन सा स्टेप्स एंड ट्रिक्स टिप्स फॉलो किया गया है जिसके ज़रिए इतना तेज़ी से वेबसाइट को गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल चुका है। दोस्तों, ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। यूट्यूब हिस्ट्री पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग गूगल एडसेंस का अप्रूवल, ऐसा ही ब्लॉगिंग का मोस्ट ऑथेंटिक वीडियो विथ लाइव प्रूफ इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। प्लीज़ इसलिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको सीरियसली ब्लॉगिंग में अर्निंग करना है, ब्लॉगिंग में कुछ खास जगह आपको बनाना है तो चलिए सबसे पहले हम लोग लाइव प्रूफ तो देखेंगे, लेकिन हम लोग सबसे पहले जान लेते वेबसाइट के बारे में, उसके बाद लाइव प्रूफ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कौन कौन सा टिप्स हम लोग फॉलो किए और कौन कौन से स्टेप के जरिए हम लोग गए हैं, हर एक कुछ इधर में डिटेल में एक्सप्लोर किया जाएगा। दोस्तों, इसी महीने में यानी अक्टूबर, आज का डेट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आज का डेट देख पा रहे, सैटरडे 29 अक्टूबर, कोलकाता वेस्ट बंगाल। ओके, तो आज है 29 अक्टूबर और डोमेन जो खरीदा गया है, लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है जो आपको जानना ज़रूरी है। डोमेन खरीदा गया है अक्टूबर महीने में ही, 9 या 10 अक्टूबर को। उसके बाद दो पोस्ट लिखने के बाद गूगल एडसेंस में सेंड कर दिया था। उसके बाद जो है ठीक 10 दिन बाद 10 अक्टूबर को डोमेन को ख़रीदा गया। उसके बाद 10 दिन बाद गूगल एडसेंस में हम लोग अप्लाई किए। उसके बाद जो है विद इन 7 एंड 8 डेज के अंदर एडसेंस का मेल आ चुका है। कुल मिला के बोले तो ऑलमोस्ट 15 दिन का साइट है और 15 दिन के साइट के अंदर गूगल एडसेंस का अप्रूवल है विथ 2 पोस्ट। ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं पर भी नहीं देखने के लिए मिलेगा। अगर कोई बताता है, फेक बताता है, लाइव प्रूफ नहीं दिखाता है, लेकिन आज की इस वीडियो में लाइव प्रूफ भी दिखाया जाएगा और प्रोसेस भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ लाइक करिए, इसलिए क्योंकि ऐसा वीडियो आपको दूसरे किसी भी चैनल पर नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग वेबसाइट का नाम जान लेते हैं, जिसका इंतज़ार आप सभी सबसे पहले कर रहे हैं। तो वेबसाइट का नाम है yournetguide.com। और दोस्तों, आपके जानकारी के लिए देख पा रहे हुईज इधर पे क्या होता है, कौन सा वेबसाइट कहाँ पे होस्टेड है एंड कौन सा वेबसाइट कब खरीदा गया था, कब एक्सपायर होगा, पूरा डिटेल इधर में आपको मिल जाता है। तो हुईज में देख पा रहे वेबसाइट जो है ख़रीदा गया था 9 अक्टूबर 2022 एंड एक्सपायर होगा 10 अक्टूबर 2023। देख पा रहे 9 अक्टूबर 2022 और आज का डेट है 29 अक्टूबर। ऑलमोस्ट 20 डेज हुआ है और 20 डेज से पहले मेरे पास गूगल एडसेंस का अप्रूवल है। दोस्तों, ये जो वेबसाइट है मेरा दोस्त का वेबसाइट है और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, और एक इम्पॉर्टेंट बात जो वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका वेबसाइट एक अच्छा सा सर्वर पे होस्ट होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आपका वेबसाइट डाउन जाएगा और आपको कभी भी एडसेंस का अप्रूवल नहीं आएगा और आपके वेबसाइट के ऊपर ट्राफिक कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि जब आपका सर्वर डाउन होता है तो उधर पे ट्रैफिक गूगल कभी भी नहीं भेजता है। इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा होस्टिंगर को, ये वेबसाइट भी होस्टिंगर के ऊपर होस्टेड है और नीचे आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसके ज़रिए आप 200 रुपीज़ का डिस्काउंट ले पाएंगे। 200 रुपीज़ का डिस्काउंट किसी भी प्लान पे, अगर आप सबसे मिनिमल प्लान को चूज़ करते शेयर्ड होस्टिंग का जो 149 या 229 प्राइस के अंदर आता है पर मंथ, उसको सिलेक्ट करते तो आपको मिल जाएगा ₹200 डिस्काउंट। और अगर आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो करते जिसका हैंडल का नाम है आर्न ऑनलाइन सॉल्यूशन, तो आपको 400 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते और जानते। तो देख पा रहे हो वेबसाइट का नाम ये है योर नेट गाइड एंड वेबसाइट का जो एज है मैं आपको बता दिया। अभी हम लोग जानेंगे कहाँ पर शिफ्टेड है। दोस्तों, वेबसाइट बेसिकली वर्डप्रेस पे शिफ्टेड है और देख पा रहे इसके अंदर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कितना पोस्ट है, कौन सा थीम्स प्लगइन यूज़ किया गया है। उसके बाद हम लोग प्रॉपर एडसेंस लेने का जो टिप्स एंड ट्रिक्स है स्ट्रेटेजी उसके बारे में बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देख पा रहे हैं दोस्तों, इधर में वर्डप्रेस में ये जो वेबसाइट है इस तरह थीम को यूज़ कर रहा है और बेसिकली इधर में बहुत सारा प्लगइन पहले था लेकिन अभी सब कुछ डिलीट कर दिया गया है। बेसिक 3-4 प्लगइन है जो यूएसट्रीज का है, रैंक मैथ का है एंड साइट किट बाय गूगल, जो वेबसाइट को मैनेज करने के लिए एकदम बेसिक सा प्लगइन उसी को यूज़ कर रहे, कुछ भी एक्स्ट्रा बल्कि प्लगइन इधर में एडिशन नहीं है। इसलिए वेबसाइट बहुत ही फास्ट हो चुका है, बहुत ही लाइट स्पीड के तरह वेबसाइट जो ओपन हो रहा है। देख पा रहे ये जो है वेबसाइट के अंदर थीम एंड प्लगइन्स कितना कितना है हम लोग जान लिए। अभी हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पोस्ट कितना हम लोग देख लेते। देख पा रहे इधर में
योर नेट गाइड पे अगर आप आ जाएंगे sitemap.xml, इधर में 5 URL है और इधर में जो है बेसिकली 4 पोस्ट है। एक है VPN के बारे में, एक है GB WhatsApp के बारे में, दूसरा नेटफ्लिक्स मूवीज 2022, उसके बाद बेस्ट एक्शन मूवीज और नेटफ्लिक्स राइट नाउ। ये जो है बेसिकली 4 पोस्ट है जिसके ऊपर एडसेंस का अप्रूवल मिल चुका है। दोस्तों मुझे पता है अभी आपके दिमाग के अंदर बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है, कितना वर्ड लिमिट होना चाहिए, कब इंडेक्स होना चाहिए, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन। तो अभी हम लोग सीधा सीधा एडसेंस लेने का जो सीक्रेट टिप्स एंड स्ट्रेटेजी उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं माइंड मैप के सेक्शन के अंदर, और इधर में आप देख पाएंगे ये जो है एडसेंस के अप्रूवल का मेन जो प्राइमरी मकसद है उसके पीछे का एक है डोमेन होस्टिंग, जिसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, क्योंकि डोमेन तो हम लोग ले लेते हैं लेकिन होस्टिंग कौन सा लेना चाहिए उसके बारे में बात किए थे, और क्योंकि क्यों होस्टिंग इतना इम्पोर्टेंट है उसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। और उसके नीचे आता है एडसेंस का पॉलिसी, और अभी हम लोग उसी का डिटेल में जानेंगे एडसेंस के पॉलिसी के अंदर कैसा कैसा आपको काम करना पड़ेगा जिसके बाद आपका एडसेंस का अप्रूवल हो पाएगा। सबसे पहले आपके सामने आता है पेजेस। आपके वेबसाइट के अंदर 3 बेसिक पेजेस होना ज़रूरी है, कंटैक्ट अस, अबाउट अस एंड प्राइवेसी पॉलिसी। हो सके तो टर्म्स एंड कंडीशन को भी ऐड कर दीजिएगा। ये बेसिकली 3-4 पेजेस है जो आपके वेबसाइट के अंदर 100% होना ज़रूरी है, अगर नहीं रहेगा तो कभी भी आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं आएगा। उसके नीचे आते हैं पोस्ट, कितना पोस्ट होना चाहिए, और इधर पे आप लोग देख पा रहे हैं कि 2 पोस्ट के अंदर एडसेंस का अप्रूवल मिल चुका है। तो ऐसा मत सोचने लग जाएगा कि हर एक वेबसाइट में 2 पोस्ट के अंदर आपका एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, ऐसा बहुत कम वेबसाइट के साथ होता है जो 2 पोस्ट के अंदर एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है। ज़्यादातर केस पे जो है 15-20 आर्टिकल लिखने के बाद ही आपका एडसेंस का अप्रूवल हो जाता है। और अगर आप मेरा ओल्ड सब्सक्राइबर है तो 8-9 महीने पहले मैंने एक वीडियो क्रिएट किया था जिधर मैं आपको सेम चीज़ 2 पोस्ट पे एडसेंस अप्रूवल का वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। ठीक 9 महीने बाद जो है 8-9 महीने बाद अभी ये वीडियो हो रहा है जिसके अंदर सेम चीज़ हुआ है, 2 पोस्ट के अंदर एडसेंस अप्रूवल मिल चुका है। अभी हम लोग जानते हैं पोस्ट के बारे में कि पोस्ट कितना लिखना चाहिए। तो बेसिकली आपका पोस्ट होना चाहिए 15-20 पोस्ट मिनिमम लिखिए, एसईओ फ्रेंडली कंटेंट होना ज़रूरी है, और हाउ टू राइट एसईओ फ्रेंडली कंटेंट आपको ऑलरेडी चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, स्क्रीन पे जो भी आ रहा है उसको देख लीजिए, आपका पोस्ट का 100% प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। वही बात वर्ड लिमिट का, कितना वर्ड लिमिट होना चाहिए, फिक्स बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके कंटेंट के अंदर पिलर पोस्ट रहता है, पिलर पोस्ट मतलब जो बहुत ही बड़ा है जिसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, किसी भी एक सब्जेक्ट को पूरा कम्प्लीटली सॉल्व करते हैं, जैसे कि हॉट इज़ कंप्यूटर, ऐसा अगर आपका पोस्ट है तो उसके अंदर अगर हॉट इज़ कंप्यूटर, हॉट इज़ रैम, हॉट इज़ रोम, CPU, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, बैंडविड्थ, अगर सब कुछ इतना आता है, हर एक चीज़ आपको देते उसी को हम लोग कहते हैं पिलर पोस्ट बेसिकली, जिसके अंदर आपका हर एक इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। अगर ऐसा कंटेंट आपके वेबसाइट के अंदर 10 या 12 रहेगा तो आपका 101% 10 पोस्ट के अंदर ही एडसेंस के अप्रूवल मिल जाएगा। वर्ड लिमिट का कुछ भी बात नहीं है, अगर आप वैल्यू एडिशन कर रहे हैं आपका 500-600 वर्ड काफ़ी है, कंटेंट के डिमांड के अनुसार लिखिए, ज़्यादा भरा के ज़्यादा घटा के नहीं लिखना है, जो कंटेंट जितना वर्ड डिजर्व करता है उतना ही दीजिए, तभी आपका आर्टिकल जो है रैंक करेगा, पॉलिसी के अंडर आएगा। ओके, उसके बाद एज ऑफ वेबसाइट ये वैल्यू नहीं करता है, एज कितना होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं 2 महीना 3 महीना, लेकिन ऐसा वैल्यू नहीं करता है, 10 दिन का एज है वेबसाइट का, एज है 10 दिन, और उसके अंदर ही गूगल एडसेंस के अप्रूवल मिल चुका है। एंड लास्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इंडेक्सिंग, आपका हर एक पोस्ट इंडेक्स होना चाहिए, अगर आप पोस्ट लिखते जाइएगा इंडेक्स नहीं होगा तब आपका वेबसाइट जो है गूगल एडसेंस का अप्रूवल आपका वेबसाइट के अंदर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इंडेक्सिंग सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर इंडेक्सिंग नहीं होगा तो गूगल को समझ में नहीं आएगा और आपका वेबसाइट लो वैल्यू कंटेंट के अंदर आएगा। एडसेंस में हालांकि बहुत सारे एरर है जो आपको फिक्स करना है, और इसे फिक्स करने का यही सिंपल स्टेप है, अगर आप ब्लॉगर में हैं तो मैक्स एसईओ थीम को यूज़ करिए, एंड वर्डप्रेस में एस्ट्रा जेनरेट प्रेस थीम को यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी दिक्कत वाला बात नहीं, इस वेबसाइट में एस्ट्रा का थीम चल रहा है। तो यही था आज का वीडियो का मूल मकसद, मूल मोटिव। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो के ज़रिए आप समझ चुके हैं कैसे आपको एडसेंस का अप्रूवल ले पाएंगे बहुत ही जल्दी। हालांकि इधर में बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं होता है, बहुत ही सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स होता है हर वीडियो में मैं यही सेम चीज़ बोलता हूँ, जितना भी वीडियो मैंने एडसेंस अप्रूवल के ऊपर क्रिएट किया है विथ लाइव प्रूफ, तो
तो इस वीडियो में सेम टिप्स, लेकिन इस वीडियो में कुछ रिकॉर्ड ब्रेकिंग आइडियाज जो YouTube के अंदर किसी भी बंदा नहीं बताया अभी तक। एंड ऐसा ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हेल्पिंग बॉय को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।